दोस्तों पेटीएम का यूपीआई पेमेंट में काफ़ी बड़ा चेंजेस आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको पता होगा कि एक दिन में एक यूपीआई आईडी से आप एक ही बैंक में 20 बार ट्रांजेक्शन कर सकते थे, लेकिन उसका लिमिट जो है अब घटाकर कर दिया गया। एक दिन में आप वन यूपीआई आईडी से सिर्फ वन बैंक में 10 ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके रिगार्डिंग हमने पेटीएम का जो यूपीआई डिपार्टमेंट का जो कस्टमर केयर है उनसे बात हुई है, तो उन्होंने जो है इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स क्लियर किया है। उन्होंने कहा है क्यों मतलब ये कम कर दिया गया या फिर फ्यूचर में कब जाके बढ़ाया जाएगा, ये सारा चीज़ उन्होंने बताया मुझे कॉल रिकॉर्डिंग में। तो आप लोगों को एंड में मैं कॉल रिकॉर्डिंग को भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो आप लोग उसे सुनना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उससे आपके बहुत ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे पेटीएम पे यूपीआई पेमेंट का। आपको पता होगा दोस्तों, पहले हम लोग क्या करते थे कैशबैक लेने के लिए एक ही बैंक में जो है 20 ट्रांजेक्शन एक दिन में कर लेते थे, जैसे कि कुछ भी रुपये का हो, 10, 20, 100, 1000 जितना भी हो, आप लोग एक दिन में एक अकाउंट में आप 20 बार ट्रांजेक्शन कर पाते थे। लेकिन वही लिमिट अब घटाकर कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ 10, यानी कि आप वन यूपीआई आईडी से वन बैंक में सिर्फ और सिर्फ 10 ही बार एक दिन में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। हालांकि जो अमाउंट का लिमिट है वो सेम है, पहले भी 1 लाख रुपए था पर डे लिमिट, अभी भी 1 लाख रुपए पर डे लिमिट है। तो ये सारा यूपीआई में चेंजेस हो चुका है पेटीएम का। तो पेटीएम यूपीआई में क्या क्या चेंजेस है, अगर सारा चीज आपको जानना है तो केवाईसी एजेंट को आप पेटीएम यूपीआई के सारे चेंजेस को जानना है तो आप पेटीएम का कस्टमर केयर एजेंट को कॉल करिए, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। या फिर अगर डायरेक्टली आप जानना चाह रहे हो तो हमने कस्टमर केयर एजेंट से बात किया, उन्होंने क्या क्या डाउट क्लियर किया सारा चीज आप लोग सुन लो। तो दोस्तों वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कर दो, अभी एक चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी दबा दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब मैं लेके चलता हूं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने के लिए, तो आप लोग अभी कॉल रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनो और क्या क्या उन्होंने बताया वो सारा चीज जान लो। तो ये रहा पेटीएम यूपीआई का सबसे बड़ा चेंजेस। वेलकम टू पेटीएम, थैंक यू फॉर वैलिडेटिंग योर इन्फॉर्मेशन, यू आर स्पीकिंग टू फहीम, एज आई कैन सी यू नीड सपोर्ट ऑन यूपीआई, इज योर क्वेरी रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन और इज इट अ जनरल क्वेरी? जी सर, सर मुझे जानकारी ये चाहिए था कि सर पहले जो है पेटीएम का यूपीआई जो है वो एक दिन में 20 ट्रांजेक्शन कर सकते थे यूपीआई से, तो उसमें अभी क्या चेंजेस आया क्या सर कुछ? जी बिल्कुल, चेंजेस आए हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप 20 ट्रांजेक्शन कर सकते थे एक दिन में जी, जी मैं चेक कर लेता हूँ, बता देता हूँ आपको प्रॉपर्ली। डिटेल्स अपडेट हो चुका हमारे यहाँ से, ट्रांजेक्शन का घटा दिया गया है, ठीक है जी। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से मैं चेक कर पा रहा हूँ, ये 20 से घटा करके आपका जो ट्रांजेक्शन लिमिट रख दिया गया है वो आपको 10 ट्रांजेक्शन पर डे के अनुसार आपको करना होगा, यानी कि एक दिन में 10 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं एक बैंक से। एक बैंक पे मतलब एक दिन में 10 ही बार कर सकते हैं? बिल्कुल राइट। तो सर वो 10 ट्रांजेक्शन में अमाउंट कितना, अमाउंट का भी कुछ लिमिट है क्या? देखिए उसमें मैक्सिमम हमारा जो यूपीआई के थ्रू लिमिट रहता है वो 1 लाख रुपए रहता है यूपीआई के द्वारा। मतलब एक ट्रांजेक्शन में 1 लाख या फिर 10 ट्रांजेक्शन मिला के 1 लाख सर, या टोटल अमाउंट आपका 1 लाख? मतलब पर डे 1 लाख सर? ये पर डे है या पर मंथ है? ये पर डे है सर। पर डे जी तो सर ये 20 ट्रांजेक्शन था पहले, तो ये हम लोग के लिए अच्छा था कैशबैक वगैरह लेने के लिए, तो अभी उसको घटा के 10 ट्रांजेक्शन क्यों कर दिया गया सर? जी समझ सकता हूँ, देखिए वो अभी आपका जो कम कर दिया गया है, हो सकता है इन फ्यूचर फिर से बढ़ा दिया जाए, पर अभी के लिए आपका एक बैंक से 10 ही रहेगा। अगर आप दूसरा बैंक ऐड कर लेते हैं तो 10 और उससे आप कर सकते हैं फिर। सर और भी ट्रांजेक्शन में कोई और चेंजेस क्या क्या आया, थोड़ा अपडेट कर लीजिए मेरे को। देखिए यही है आपका जो बड़ा चेंजेस है कि 20 ट्रांजेक्शन से आपका 10 कर दिया गया है, बाकी लिमिट हमारा वही है 1 लाख रुपए आपका जो मैक्सिमम लिमिट है पर डे का, ठीक है। और आपका सर यही है सर, इसके अलावा तो कोई सर आप पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए हमारे पास एक टीम है, अगर आप चाहते हैं मैं कॉल कनेक्ट करा देता हूँ आपकी। करा दीजिए सर जी, थोड़ा समय दें मैं आपका कॉल कनेक्ट करा देता हूँ जी। मैं यहाँ से आपका कॉल कनेक्ट करा देता हूँ, ठीक है जी सर। आप लाइन पर हैं, ट्रांसफर किया जा रहा है पेटीएम में, संपर्क करने के लिए धन्यवाद, हम आपसे बात करके उसमें आपका समय शुभ हो, लाइन पर हैं ट्रांसफर कर जी। नमस्कार, पेटीएम में आपका स्वागत है, अपनी डिटेल्स वैलिडेट करने के लिए धन्यवाद जी सर। बात राजेश से हो रही है, जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ आपको पेटीएम
सेविंग अकाउंट से संबंधित जानकारी चाहिए, मैं जानना चाहूंगा मैं किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। सर पेटीएम का सेविंग अकाउंट ओपन हो रहा है कि नहीं सर? अभी मैं माफी चाहूंगा सर, जो आपको सुविधा हो रही है चेक कर लेता हूँ, कॉल पे बने रहेगा। दीपक कुमार भगत जी से बात हो रही है। जी सर जी, तो जैसे कि आपने बताया कि आपका सेविंग अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। जी जी मिस्टर भगत, देखिए मैं बताना चाहूंगा, हाँ? आपका बैंक अकाउंट इसलिए ओपन नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी पेटीएम कोई भी न्यू सेविंग बैंक अकाउंट की जो ओपनिंग की रिक्वेस्ट है अभी कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सर। जी ठीक है, तो इस कारणवश पेटीएम पर अभी कोई बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आपको वेट करना होगा। सर मेरा तो सर मेरा अकाउंट तो पुराना है ना सर? अकाउंट की रिक्वेस्ट आपकी पुरानी है, बट अकाउंट जब ओपन होगा वो तो नया ही होगा ना सर? हाँ। रिक्वेस्ट आपने पुराने की है, पर पिछले 5 महीने से पेटीएम पर कोई अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है सर। 20 जून के बाद से कोई अकाउंट ओपन नहीं हुआ है पेटीएम पर। तो सर ये कब से होगा ओपन, कुछ बता सकते हैं? मैं माफी चाहूंगा सर, समय तो कंफर्म नहीं होगा, बट इतना बता देता हूं मैं आपको, जैसे ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने लगेगा पेटीएम, आपको हमारी तरफ से प्रोएक्टिवली SMS के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। SMS आपके उस नंबर पर ही भेजा जाएगा जो आपने IVR पे कॉल करके वेरीफाई किया होगा। अच्छा, मतलब अभी सेविंग बैंक नहीं ओपन कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर, अभी बताना चाहूंगा पेटीएम में सेविंग बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो रहे हैं, इस वजह से आपको भी वेट करना होगा सर। और कोई अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को भी रेफर कर सकते हैं, paytmpaymentbanking.com। ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू। कोई और सहायता कर सकता हूँ मिस्टर भगत? नो सर, थैंक यू। पेटीएम में कॉल करने के लिए धन्यवाद सर, आपसे बात करके खुशी हुई, आपका दिन शुभ।